नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल दयाल। आज हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड इन प्रेगनेंसी के बारे में। अल्ट्रासाउंड मतलब सोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स इन प्रेगनेंसी टू असेस द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ द बेबी। मतलब अल्ट्रासाउंड सबसे अच्छा टूल होता है कि हम बच्चे के विकास को समझ सकते हैं। एंड अगर आप अल्ट्रासाउंड के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो आज हम आपको समझा देंगे कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है। अल्ट्रासाउंड एक मशीन होता है जिसे अल्ट्रासोनिक वेव्स जाता है और एक इमेज क्रिएट करता है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इमेजेस और इन्फॉर्मेशन बेबी के बारे में डॉक्टर को मिलता है। अब हमारे सेंटर में सोनोग्राफी कब किया जाता है और क्या क्या प्रकार की सोनोग्राफी किया जाता है, ये सब हम आपको आज बताएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अल्ट्रासाउंड में फर्स्ट टाइम माँ शायद बच्चे को उसी में देखती हैं। इट इज़ द फर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ द बेबी। तो अधिकतर माएँ बहुत खुश हो जाती हैं सोनोग्राफी में बच्चे को देख के, उनका हलचल को देख के। तो एक बहुत प्लेजरेबल एक्सपीरियंस होता है। पहली बार बच्चे का धड़कन भी माँ तभी सुनती हैं। तो इसलिए आज हम आपको ये बताते हैं कि हम अपने सेंटर में, हॉस्पिटल में, कि सोनोग्राफी कब कब एडवोकेट करते हैं। द फर्स्ट अल्ट्रासाउंड इज एडवाइज्ड एट 8 weeks, 7 to 8 weeks। अगर आपने ऐप डाउनलोड किया है और उसमें आपने अपना LMP डाला है तो उसमें एक फ्लो चार्ट में आपको आपके प्रेगनेंसी के अनुसार कौन कौन से डेट पे किस किस टाइप का सोनोग्राफी होना है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फर्स्ट सोनोग्राफी इज़ डन बिटवीन 7 to 8 weeks। ये क्यों किया जाता है? 8 हफ्ते का सोनोग्राफी इसलिए किया जाता है क्योंकि उस वक्त तक डॉक्टर बेबी में हार्ट बीट एक्सपेक्ट कर लेता है। अगर हार्ट बीट आ चुका है देन कंग्रेचुलेशंस, योर बेबी इज़ गुड, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। अगर 8 हफ्ते तक डेवलपमेंट नहीं है, हार्ट बीट नहीं आया है, तो प्रेगनेंसी एक फेलिंग प्रेगनेंसी है और आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि क्या आगे करना चाहिए। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड इज़ एट 8 weeks, ये सिद्ध करने के लिए कि बेबी में धड़कन आ चुका है। सेकेंड सोनोग्राफी इज़ डन एट 11 to 12 weeks। ये 12 week का सोनोग्राफी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी सोनोग्राफी में हम एक एंटी मेजरमेंट लेते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन। ये एंटी स्कैन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस मेजरमेंट से हम बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स निकालते हैं कि बेबी को कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है। अगर एंटी स्कैन नहीं होता है या नहीं किया जाता है, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट। लेकिन हम हमारे सेंटर में सारे पेशेंट्स के लिए एंटी स्कैन कराते ही हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। आफ्टर द एंटी स्कैन हम नेक्स्ट सोनोग्राफी एडवोकेट करते हैं बिटवीन 18 to 20 weeks। मतलब 5वें महीने का कलर वाला टारगेटेड अल्ट्रासाउंड। इस टीफा अल्ट्रासाउंड में बच्चे का हर अंग और बॉडी पार्ट को चेक किया जाता है कि ऐसा कोई मेजर एनोमली तो नहीं है जिसके लिए हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू ना करें। मेजर एनोमलीज बहुत आराम से पकड़ में आ जाते हैं, कभी कभी माइनर एनोमलीज नहीं पकड़ में आते हैं। अगर कोई मेजर एनोमली है और आपने 18 to 20 weeks का अल्ट्रासाउंड किया है, देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिया एज ऑफ नाउ हम लीगल एबॉर्शन कर सकते हैं। इसलिए इस सोनोग्राफी के लिए 18 to 20 weeks का ही क्लॉज का पीरियड है। 20 weeks के ऊपर टारगेट स्कैन नहीं किया जाता है। तो इसलिए आपके डॉक्टर ने अगर आपको एक डेट दिया है, उस डेट पे सोनोग्राफी कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आफ्टर द टारगेट सोनोग्राफी बेबी इज़ एब्सोल्युटली ऑल राइट, तो फिर नॉर्मली एंटीनेटल चेकअप्स किया जाता है और लास्ट सोनोग्राफी हमारे सेंटर में 32 हफ्ते पे करते हैं, 32 weeks। ये 32 weeks के अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर क्या देखते हैं? इसमें ये देखते हैं कि बच्चे का वज़न कितना है, पानी की कमी तो नहीं हो रहा है, कलर डॉपलर डालने के बाद बच्चे के गले में नाल है कि नहीं, ये सब जानकारी हमें मिल जाता है। अगर इसके बाद कोई प्रॉब्लम पेशेंट को नहीं है तो हमारे सेंटर में इसके बाद हम सोनोग्राफी रिपीट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सेंटर में मिनिमम 4 अल्ट्रासाउंड्स ज़रूरी हैं। अब अगर आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आते हैं, जैसे BP, शुगर या प्रीवियस सीजर या ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी, बहुत सारे अगर आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी कैटेगरी में आते हैं, तो आपके डॉक्टर आपको बार बार अल्ट्रासाउंड
एडवाइस कर सकते हैं, या अगर आप बीच में कभी कंप्लेन करते हैं कि बच्चे का हलचल समझ में नहीं आता है, या आप कंप्लेन करते हैं कि ब्लीडिंग या स्पॉटिंग एपिसोड्स हो रहा है, तो शायद डॉक्टर एडवाइस सोनोग्राफी बार बार करेंगे। लेकिन नॉर्मली इन अ 9 month कोर्स हमारे यहाँ सिर्फ 4 अल्ट्रासाउंड्स एडवोकेट किया जाता है। अब अल्ट्रासाउंड के लिए क्या प्रिपरेशन आपको करना चाहिए? आपको अपॉइंटमेंट का डेट पे आके अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, दिस इज़ 1, क्योंकि वो टाइम पीरियड बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड, आपको फॉर्म एफ के लिए आधार कार्ड या वोटर्स आईडी की ज़रूरत है, उसके बगैर सोनोग्राफी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। पानी पी के और पेशाब की थैली को रोकना है, इसलिए पानी पी के आना है। एंड ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में पेशाब का थैली जब भरा हुआ रहता है वो एक अच्छा विंडो हो जा है जिससे बच्चे को हम अच्छे से देख पाते हैं, इसलिए पानी पिलाते हैं। पेशेंट को लेटालते हैं और जली डालते हैं पेट के ऊपर, और फिर बच्चे को दिखाते हैं माँ को, और फिर बच्चे के सारे मेजरमेंट्स लिया जाता है और रिपोर्ट बनाते हैं। अल्ट्रासाउंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल्स टू असेस द फीटल ग्रोथ, इसलिए अगर आपको कभी भी ऐसा शंका है कि अल्ट्रासाउंड से बच्चे को कुछ नुकसान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अल्ट्रासाउंड एक्सरे या सीटी स्कैन जैसा नहीं है, इसमें कोई परेशानी बच्चे को नहीं होती है, तो इसलिए जब आपका सोनोग्राफी हो रहा है आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बच्चे को कोई दिक्कत सोनोग्राफी से नहीं हो सकता है। इसलिए कभी उसके डर से अल्ट्रासाउंड नहीं कराना, कोई लॉजिक उसमें नहीं है। जैसे जैसे आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है अल्ट्रासाउंड करवाएं, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट इंडिकेटर फॉर फीटल ग्रोथ। अल्ट्रासाउंड के फ्यू स्पेशल एप्लीकेशंस है, जैसे फीटल इको और अल्ट्रासाउंड एसोसिएटेड विद डॉपलर इन प्रेगनेंसी। डॉपलर हम हर पेशेंट में नहीं करते हैं, उन्हीं पेशेंट्स में किया जाता है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं और इंडिकेटेड है बार बार कि हम बच्चे के विकास को बहुत सतर्कता से देखना चाहते हैं, तो डॉपलर इंडिकेटेड जब रहता है तो उन्हीं लोगों में किया जाता है, रूटीन प्रेगनेंसीज में नहीं करते हैं। एंड फीटल इको क्या होता है? वो बच्चे का हार्ट का सोनोग्राफी होता है, वो उन्हीं लोगों में करते हैं जहाँ पे हमें कुछ स्पेशल इंडिकेशंस होते हैं ऐसे प्रेगनेंसीज में। आशा है कि आपको अल्ट्रासाउंड के बारे में हमने काफ़ी जानकारी दी है। अगर और भी आपके पास डाउट्स हैं तो ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।